नमस्कार, वेलकम टू संतोष शर्मा वर्ल्ड रोडस प्रेजेंटेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भरणी नक्षत्र के बारे में। भरणी नक्षत्र इज रूल्ड बाय वीनस, शुक्र। शुक्र का स्वभाव जानते हैं आप। शुक्र का मतलब आनंद, खुशी, रोमांस। तो इस प्रकार के जनरली प्रभाव रहता है नक्षत्र ऊपर में। उदाहरण स्वरूप बिल क्लिंटन वाज फ्रॉम भरणी नक्षत्र, इस प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में हम जानते होंगे। तो जो पुरुष होते हैं भरणी नक्षत्र के, इनके स्वभाव किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के एंड दे आर वेरी डिटरमाइंड काइंड ऑफ पीपल। इनको मतलब इनको जो सोच के रखे हैं उससे इनको हटाना बहुत मुश्किल काम है। एक बार जो सोच रहते हैं उसको करके रहते हैं, इसलिए जिंदगी में कभी अग्रणी होते हैं, नेता भी बन जाते हैं और आगे जिंदगी में बहुत तरक्की भी करते हैं इस प्रकार के लोग, क्योंकि डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दोनों ही फायदा देता है इनको। और जो ये सोचेंगे उसके विरुद्ध इनको करने के बोलोगे कभी नहीं करेंगे। सो दे लिसन टू देयर ओन स्वीट विल, अपने तरीके से ही काम करना पसंद करते हैं। तो जो ठान लेते हैं वही करते हैं। यदि आपके पति ऐसे हैं तो समझ लीजिए कि उनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, करेंगे ही नहीं, क्योंकि दे आर रूल्ड बाय दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग। और एक है कि दे ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट। इनके एक स्वभाव होता है कि दूसरों को दबाएं और अपने आप को लोगों के ऊपर में लागू करें। अपना जो चाहते हैं, अपना जो सोच, अपना जो विचार, उसको लादना चाहते हैं। ये एक प्रकृति है, गलती नहीं है, प्रकृति, बिकॉज गॉड हैज मेड देम लाइक दैट ओनली। इसी के कारण ही उनको जिंदगी में बहुत सारे हर्डल्स का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो अड़ियल स्वभाव होता है, लोगों को दबाने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए उनको जिंदगी में बाधा विघ्न भी आते हैं और इस चक्कर में कहीं फंस भी जाते हैं ये लोग। दे आर वेरी डीपली अटैच्ड टू देयर फैमिली मेंबर्स, घर वालों से बहुत प्यार करते हैं उनका, जिस प्रकार के भी हो, स्वभाव जिस प्रकार का भी हो, लेकिन अल्टीमेटली दे आर द फैमिली पीपल। उनको अच्छा लगता है, घर वालों से प्यार से रहना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी में इनके स्वभाव के कारण में इनको काफी सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, अप्स एंड डाउन्स। दे विल बी वेरी सक्सेसफुल और कभी बड़े बड़े फेलियर भी देखने को मिलता है इनको। कभी तो बहुत प्रसिद्धि की चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे और कभी एकदम अपमान जनक स्थिति में फंस जाएंगे। तो इस प्रकार के दोनों एक्सट्रीम देखते रहते हैं और ये बहुत रोमांटिक होते हैं बाय नेचर। जो लड़कियां होती हैं इस नक्षत्र की, वरुण नक्षत्र की, वो किस प्रकार की होती है? जो लड़कियां हैं दे आर वेरी ऑनरेबल, ऑनेस्ट, मतलब न्याय के साथ देने वाली होती हैं, रेस्पेक्टफुल होती हैं, बोल्ड भी होती हैं। उनका जो पर्सनैलिटी होता है बोल्ड होता है और इम्पल्सिव होती हैं, मतलब अचानक कुछ जोश आ गया, कुछ करने की ठान लेती हैं और वही करती हैं। और ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक होती हैं, मतलब ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं, और हरदम हर एक चीज में पॉजिटिव साइड को ज्यादा दिखती है और नेगेटिव साइड को दिखती नहीं है। तो ऐसा होता है कि परिस्थिति को ठीक से तोलती नहीं है और ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे तो उनको कभी कभी धोखा भी हो जाता है। दे आर वेरी रेस्पेक्टफुल टू द एल्डर्स, बहुत अच्छी बात है, बड़ों का सम्मान करती है। और उनका ये है कि इंडिपेंडेंस, फ्रीडम उनको बहुत प्यारा होता है, फ्रीडम के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती। तो यदि उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे और झगड़े होंगे। और ये कुछ करना चाहती है तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करती है, पकड़ती है, ढूंढती है, द सीक एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ये इस प्रकार की आक्रामक, एग्रेसिव टाइप की होती है, वेटिंग करती है अपॉर्चुनिटी कब आएगा, देखेंगे, वो खोजती है अपॉर्चुनिटी जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए। और जैसे बताया मैंने कि अपने हिसाब से काम करना चाहती है और किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन किसी भी तरह का लगा जाए ये उसका घोर विरोध करती है। और सीधे बात करेंगे, स्ट्रेट टॉक, और दिल में कुछ भी नहीं रखती हैं तो उसमें भी कभी कभी परेशानी में पड़ जाते हैं। और उनका जो एग्रेसिव नेचर तो बताया मैंने, लव ऑफ फ्रीडम और अपने हिसाब से काम करना, इससे क्या होता है, जिनका पारिवारिक जीवन होता है, मैरिड लाइफ होता है, या लिव इन रिलेशनशिप हो, या जो भी संबंध हो, स्पेशली लव रिलेशनशिप वगैरह में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ब्रेकअप्स वगैरह होते रहते हैं। यदि आपको जिंदगी में कोई समस्या है तो हमारी वेबसाइट को लॉग इन करें, जो कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप
लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।